Question number 12. So students, 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side is A. They all start moving simultaneously with constant speed, with the first point towards second, second towards third, and third towards first. So hame kya karna hai students? Initially a triangle consider karna hai, or that will be an equilateral triangle. Is point ko bol dete hain A, is point ko bol dete hain B, or is point ko bol dete hain C. So A ki jo velocity hai, that is towards B, and B ki velocity is towards C, and C ki velocity towards A. Ye initial direction hai velocity ka, aap dekh sakte hain. Agar aap thodi der baad iska motion discuss karenge, kyunki B left ja raha hai, C diagonally upar ja raha hai, aur A B ki taraf ja raha hai, to aap dekh sakte hain A B ko chase karega, B C ko and C A ko with a constant speed. To thodi der baad C ka motion kuch aisa hoga, A ka motion kuch aisa hoga, और B का motion कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से किसी time, at T time later वो यहाँ located होंगे। अगर आप इनको virtually meet कराएंगे इन तीनों points को, तो again ये equilateral triangle ही form करेगा। इसका मतलब है initially इनके बीच में ये angle 60 degree था, finally भी ये angle 60 degree ही होगा इनके बीच में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि motion बिल्कुल symmetric है, तीनों की speed constant है और तीनों एक दूसरे की तरफ move कर रहे हैं, A B की, B C की और C A की तरफ। करने का तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व? क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड ये है, अगेन मैं सी ए की बात करूं, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज ए, तो आप देख सकते हैं ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टारगेटेड है। ए की वेलोसिटी इनिशियली देखा जाए, सी इधर जा रहा था वी स्पीड से और ए इस डायरेक्शन में जा रहा था वी स्पीड से। अल्टीमेटली आप देखा जाए सी ए की तरफ टारगेटेड है, तो हमें करना क्या चाहिए, इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी देखनी चाहिए टूवर्ड्स ईच अदर। मतलब क्या है, C ऑलरेडी A की तरफ जा रहा है, पर A का कंपोनेंट वेलोसिटी का जो किसकी डायरेक्शन में होगा टूवर्ड्स, जो किसकी डायरेक्शन में होगा टूवर्ड्स C, हमें निकाल लेना चाहिए। सो सिंस दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा V cos 60 डिग्री, और इनके बीच में जो सेपरेशन है क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, एच लेंथ हमें दे रखी है A, सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी इसकी A, तो ये सेपरेशन हमें पता है कितना है, बोलो A, ये सेपरेशन हमें पता है कितना है A। तो बच्चे वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो v प्लस v cos 60 डिग्री इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर आप यहां टाइम निकालेंगे तो इट विल बी a डिवाइडेड बाय v प्लस v बाय 2, v cos 60 डिग्री इज v बाय 2, तो यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे देन आंसर विल बी 2a डिवाइडेड बाय 3v। सो बच्चों इसका आंसर यही है 2a डिवाइडेड बाय 3v। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जस्ट हमें क्या करना था, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी टुवर्ड्स ईच अदर, और क्योंकि मोशन सिमेट्रिक है हमेशा इनका एंगल 60 डिग्री रहेगा, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, v प्लस v cos 60 डिग्री एक दूसरे की तरफ होगी। आप चाहते तो अलोंग BC भी यही कैलकुलेशन कर सकते थे और अलोंग AB भी, जैसे भी हमने AC की डायरेक्शन में किया है वैसा ही हम BC और AB से भी निकाल सकते हैं। So correct answer आएगा 2a by 3b। So question number 13 students is the next question।